जनपद शामली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और लखनऊ से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कांधला के सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी के पूरे स्टाफ में हड़कंप मचा रहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य टीम की काफिले के रवाना होने के बाद सीएचसी के स्टाफ ने राहत की सांस ली। हमारा पर्पस इस सीएचसी पे आने का ये था कि हमारे साथ एक लखनऊ की टीम आई हुई है और ये सपोर्टिव सुपरविजन के लिए देखने आई है। सपोर्टिव सुपरविजन में हमें ये देखना होता है कि जो हमारे ब्लॉक सीएचसी होते हैं उनका काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कोई अगर छोटी छोटी कमियाँ होती है जिसको हम अगर अच्छे सुपरविजन के साथ निगाह डाल के देखेंगे तो उनको हम दूर कर सकते हैं। तो ऐसी कमियों को ही ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ जो टीम है उसमें दो मेंबर्स हैं लखनऊ के, मैं हूँ, और हमारे साथ डीसीओ भी हैं, डीआईओ साहब भी हैं। तो हम सब मिल के हर प्रोग्राम कैसा इस ब्लॉक पे चल रहा है इसको गहरी इन्वेस्टिगेशन करके और उस पर इवेल्यूएशन करके हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या छोटी छोटी कमियाँ हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, जिससे जो पब्लिक हमारे पास आ रही है यहाँ पे इलाज करा रहे हैं उनको और बेटर सुविधाएं और अच्छी सेवाएं देते हैं। अच्छा सर, कांधला सीएचसी का निरीक्षण हुआ, क्षेत्र के जो पीएचसी है सर उनका भी निरीक्षण हुआ। यहाँ से हम गंगेरू भी जाएंगे, यहाँ से एडिशनल पीएचसी गंगेरू पे जाके वहाँ का भी काम देखेंगे, और उसके बाद हमने एक मोबाइल मेडिकल यूनिट चला रखी है। उस मोबाइल मेडिकल वैन की आज की जो तारीख में कार्य है उसको फील्ड में जाके ही चेक करेंगे और वहाँ देखेंगे कि वो क्या क्या दिक्कतें उसको आ रही है और वहाँ की पब्लिक को हम वहाँ कैसे और अच्छी सेवा दे सकते हैं इसी मोबाइल मेडिकल वैन से इलाज कराते हैं। जी सर, गंदगी के लिए भी आपने निरीक्षण किया, शौचालय का उसमें क्या उपाय सर? शौचालय में सफाई की ज़रूरत है और उसके लिए मैंने अधीक्षक साहब को कह दिया कि मैं अगली बार आऊँ तो ये बिल्कुल बरके और साफ़ सुथरा मिले ताकि शौचालय पब्लिक के लिए हमेशा खुले रहे और साफ रहे। अच्छा सर, हमारे कांधला सीएचसी में वो एक्सरे मशीन नहीं है, उसके लिए मरीजों को दूर मुजफ्फरनगर या सामने जाना पड़ता है, उसके लिए सर के प्रबंध के अभी कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? नहीं, अभी एक्सरे मशीन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम डिजिटल एक्सरे मशीन के माध्यम से टेली रेडियोग्राफी करा के और लोगों को सुविधा यहाँ पर एक्सरे की दे सकें ताकि जो मरीज आता है उसको हम क्यों रेडियोलॉजिस्ट के बिना भी रिपोर्टिंग कर सकें और उनको लाभ दे सकें। थैंक यू।